आज की ये वीडियो देखने के बाद आप मेकअप करना टोटली सीख जाएंगे और साथ के साथ मेकअप आपका ग्रे नहीं होगा, काला नहीं होगा। और ये शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है कि लिप के अराउंड से हटने लगता है मेकअप, आंखों के नीचे से हटने लगता है। आज इन सारी चीज़ों को मैं बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो पर बने रहना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम देख लेते हैं ये मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है और क्या क्या चीज़ें आपको करनी है स्टेप बाय स्टेप। सारी चीजें मैं बताने वाली हूं तो प्लीज ध्यान में रखना, और हां साथ में आपको प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो देख लीजिए, उसके बाद आप अगर मेकअप सीखना चाहते हैं तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। और यहाँ पे सबसे पहले मेकअप करने से पहले आपको अपने फेस को बिल्कुल क्लीन कर देना है। यहाँ में मैं पास आके दिखा रही हूं यहां पर कि मैंने अपने फेस पे कोई भी फिल्टर नहीं लगाया। आप देख सकते हैं पूरे ओपन पोर्स तक मेरे फेस के दिख रहे हैं, दाग धब्बे दिख रहे हैं, यहाँ तक कि आईब्रो के जो भी हेयर हैं वो दिख रहे थे। ये मैंने आप लोगों को पास आके इसलिए दिखाया कि फिल्टर नहीं लगा है इस वीडियो में। अब सबसे पहले फेस क्लीन करने के बाद में हमें करना होता है टोनर का यूज़। टोनर के लिए आप मिस्ट का यूज़ कर सकते हैं या फिर टोनर का या गुलाब जल का, तीनों में से कुछ भी लेना चाहिए। एज ए टोनर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पीएच बैलेंस को मेंटेन रखेगा और हमारी स्किन को टाइट भी रखेगा। उसके बाद स्टेप आता है सीरम या मॉइस्चराइज़र का। यहाँ पे मैं सीरम ले रही हूँ क्योंकि ये मेरी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेगा। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये सीरम ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया था पर्पल का 24K गोल्ड सीरम। ये ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है, लेकिन यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, मेरी स्किन ऑयली है, मैंने नॉर्मल क्वांटिटी ली और ये मेरी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज भी कर देगा। उसके बाद अब हमें करना होता है प्राइमर का यूज़। और प्राइमर के लिए जो भी आपको की स्किन के लिए बेस्ट हो वो प्राइमर ले सकते हैं। खास करके ये मेकअप होने वाला है एक सांवली स्किन के लिए, तो ये ध्यान में रखना है कि सांवली स्किन पे फेयर मेकअप कैसे करेंगे। कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। सबसे पहले हमें करना होता है कलर करेक्शन, ताकि हम जो मेकअप कर रहे हैं वो थोड़ी देर बाद काला ना हो, ग्रे ना हो, पैचेज ना आए। तो सारी चीज़ें स्टेप में अगर हम करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। कलर करेक्शन में सबसे पहले हमारे यहाँ पे एक पिंपल था, वहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का कलर करेक्टर यूज़ किया। उसके बाद जहाँ पे हमारी अनइवन स्किन टोन है वहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर यूज़ किया है। अगर आप चाहते हैं आपका मेकअप फेयर हो और आपकी स्किन सांवली है तो कंसीलर का यूज़ करना ही आपको मेकअप से पहले, अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग या फिर अपनी स्किन टोन से एक टोन डार्क आपको कंसीलर अपने फेस पे अप्लाई करना है कलर करेक्शन के बाद। उसके बाद फाउंडेशन यूज़ करना है आपको। अब फाउंडेशन के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन, जो काफ़ी अच्छा है, आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, कवरेज भी अच्छी देता है और ऑयली स्किन के लिए ये बेस्ट है, तो ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन। यहाँ पे मैंने नॉर्मल क्वांटिटी अप्लाई की और यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर दिखा रही हूँ कि अगर आप इसे पानी में डिप करेंगे तो इसका साइज आप देख सकते हैं बड़ा हो गया है, और जबकि दोनों का साइज सेम था लेकिन पानी में डिप करके निचोड़ने के बाद साइज बड़ा हो जाएगा और ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छी होगी। कभी भी आपको ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ नहीं करना है गाइस। पहले मैं ये गलतियाँ करती थी, मैं सोचती थी कि आप डिप पानी में डिप करके वेट करके यूज़ करने से ऐसा कोई फ़र्क आता होगा, लेकिन फ़र्क आता है। कभी भी ये चीज़ें इसकी मत करना। आप कितनी भी जल्दबाजी मेकअप में कर रहे हैं लेकिन ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपका मेकअप लॉन्ग स्टे भी करेगा और काला नहीं होगा, ग्रे नहीं होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ब्लेंडिंग हो गई, इसलिए क्योंकि हमने स्किन केयर बहुत ही अच्छा किया है। अगर हम स्किन केयर अच्छा नहीं करेंगे तो ब्लेंडिंग कभी अच्छी नहीं होगी। और ख़ास चीज़, आप जब भी फाउंडेशन ब्लेंड करें तो उसे डैब डैब करना है, आपको बिल्कुल रगड़ना नहीं है। उसके बाद अब यहाँ पे मैं कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ, और कंसीलर के लिए मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर, जो मेरी स्किन टोन से 2 टोन लाइट है, और इसे जहाँ पे हमारे हाईलाइट पॉइंट है वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। मतलब कि जहाँ पे हमारे फेस के फीचर्स थोड़े दबे हुए होते हैं उसे हाईलाइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंसीलर का। तो आप देख सकते हैं कंसीलर आपको इस तरीके से अप्लाई करनी, जब आंखों के नीचे करें तो आपको ऊपर देखना है ताकि कोई पैचेस ना आए, और जब ऊपर करें तो नीचे की साइड में देखना है। जैसे आप लिप के अराउंड अगर कंसीलर या फाउंडेशन ब्लेंड कर रहे हैं तो आपको उस एरिया को थोड़ा सा अपने फेस के अकॉर्डिंग टाइट करना है। ये नहीं कि आपका फेस जैसा है वैसे ही आप डैब डैब करके ब्लेंड कर दें, वहाँ पे आपकी स्किन टाइट होनी चाहिए ताकि अगर रिंकल्स वगैरह हैं तो अच्छे से वो फील हो जाएं और आपका फेस
पैचेस ना आए और गंदा ना दिखे। उसके बाद यहाँ पे नोज कंटोर के लिए मैंने यूज़ किया है क्रीम कंटोर यूएन वाइबे का, और नोज कंटोर करने के लिए मुझे ये बेस्ट लगता है, और ये मैं फिंगर से कर रही हूँ। उसके बाद अब मैं करूँगी पाउडर कंटोर, और यहाँ पे जितने भी क्रीम प्रोडक्ट होंगे वो पहले लगेंगे, उसके बाद पाउडर प्रोडक्ट लगेंगे। अगर आप चाहते हैं आपके पास ब्लश टिंट है तो आप उसे पहले अप्लाई कर ले, उसके बाद पाउडर अप्लाई कर, लेकिन ब्लश मैं पाउडर यूज़ करूँगी इसलिए मैं बाद में करूँगी। यहाँ पे फेस को सेट करने के लिए मैंने मार्स का लूज पाउडर लिया है, और एज ए बेकिंग मैं इसे अप्लाई कर लूँगी। जब तक आईब्रो फिल करेंगे तब तक ये बेकिंग सेट हो जाएगा मेरे फेस पे, और उसे आप चाहें तो डस्ट आउट कर दें अगर आपकी स्किन ड्राई है, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उसे डैब डैब करके भी अपने इस फेस को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखा रही थी वेट एंड विल का ये किट है आईब्रो, इससे मैं आईब्रो फिल कर लूँगी, और आईब्रो के हेयर थोड़े साइड साइड से फैले हुए हैं तो थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि हो सकता है शेप अच्छी ना आए क्योंकि आईब्रो के हेयर बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे आईब्रो भी फिर अच्छे से फिल हो चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने लूज पाउडर अप्लाई किया था, एक ब्यूटी ब्लेंडर से हल्के से डस्ट आउट किया, उसके बाद अपने पूरे फेस पे अच्छे से सेट कर दिया है। फेस को कंटोर करने के लिए मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का पैलेट जो पाउडर कंटोर है, और बिल्कुल लाइट ही अप्लाई कर रही हूँ, और उसी पैलेट में ब्लश है उसी से मैं ब्लश भी अप्लाई करूँगी। तो ये पैलेट काफ़ी अच्छा है और मैं 2-3 वीडियो से इसे यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद आया। अगर आप बिगनर हैं तो ले सकते हैं इसे। और गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको कुछ भी पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइज मैं आपको बता दूं, जब भी आप स्किन केयर करें, मैंने बताना भूल गई हूँ कि मैं जब भी आप स्किन केयर कर रहे हो, जैसे आपने टोनर अप्लाई किया तो अपने फेस पे 30 सेकंड का 40 सेकंड का गैप दे, उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर या सीरम अप्लाई करना है। और जब भी आप फेस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करें अच्छे से फेस को मसाज करें, उसके बाद कम से कम 2 मिनट का गैप देना है। अगर आपके पास टाइम है तो 5 मिनट का गैप देंगे तो उससे आपका मेकअप बहुत ही अच्छे सेट रहेगा। और यहाँ पर बिल्कुल ईजी आई मेकअप कर रही हूँ, पहले मैंने एज ए ट्रांजेक्शन कलर पिंक कलर का यूज़ किया, उसके बाद ब्लैक कलर को एज ए आईलाइनर लगाया, उसके बाद उसे स्मच करते हुए इस तरीके से अप्लाई किया, देन मैंने यूज़ किया लाइट ब्राउन कलर और उसी ब्लैक कलर पे ही स्मच करते हुए मैंने एज ए आईलाइनर अप्लाई कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पे ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ बिल्कुल लाइट ही, और ये आई मेकअप मैं यही कंप्लीट करूँगी, बहुत ही प्यारा होने वाला है। अब हम करेंगे काजल का यूज़। काजल के लिए जो भी काजल हो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने यूज़ किया वाइट काजल, और ये आपकी आंखों को और बड़ी दिखाएगा और बहुत ही सुंदर लुक आने वाला है। उसके कभी भी जब भी आपका आई मेकअप कर रहे हो इस तरीके से, अगर साइड में यहाँ से फैला हुआ आपको लगे तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये है, बहुत ही अच्छा लगेगा, इससे आपके जो आई मेकअप का सेड होगा वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप प्रो हैं मेकअप में। आप देख सकते हैं अभी आपको यहाँ पे जब मैं ब्लैक कलर का आई शेडो लुई हूँ और एज ए आईलाइनर उसे स्मज कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं इसकी शेप कितनी अच्छी है। उसके बाद नीचे के साइड में मैंने लोअर लैश लाइन के नीचे पिंक कलर अप्लाई किया जो मैंने सबसे पहले ट्रांजेक्शन कलर के लिए अप्लाई किया था। उसके बाद यहाँ पे मैं इनर कॉर्नर के साइड में थोड़ा सा इस तरीके से विंग क्रिएट कर रही हूँ बिल्कुल लाइट ही आंखों को बड़ी दिखाने के लिए, और ये कर लेंगे तो आपका आई लुक और भी ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। उसके बाद मस्कारा यूज़ करूँगी। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पूछना है या जानना है मैंने कैसे लिया तो कमेंट कर लेना। यहाँ पे मैंने मैबलिन का ये मस्कारा लिया है और उसे अप्लाई कर लिया, लिपस्टिक लगा लिया, हाइलाइटर लगा के आप मेकअप लुक कंप्लीट कर सकते हैं। और ये मेकअप अगर आप इस तरीके से मेरे तरीके करेंगे तो पूरे दिन टिकने वाला है। इस तरीके से आप मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और आप देख सकें कि मेरी नेक्स्ट वीडियो कैसी थी। काफ़ी वीडियो मैंने ऑलरेडी बिगनर के लिए शेयर किए तो एक बार ज़रूर जाके देखना। नेक्स्ट वीडियो आपको कैसे देखना है, किस टॉपिक पर देखना है, ये भी कॉमेंट करके बताना, तो आप देख सकते हैं लुक कैसा लगा। तो चलती हूँ मैं, मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।